मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार अपने पूरे चरम पर चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। मित्रों, योगी आदित्यनाथ की मांग पूरे देश में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर सूबे में योगी आदित्यनाथ जी के दौरे लगातार आयोजित करवाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो भाषण होता है वो एकदम निडर होता है और इतने बड़े बड़े दुर्दांत माफियाओं को, बदमाशों को ठिकाने लगाने का काम, खत्म करने का काम सिर्फ एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ भी किया उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत थी वो गोरखनाथ में मौजूद गोरक्षपीठ के गद्दी पर बैठे हुए महंत योगी आदित्यनाथ की ताकत थी, जिनके ऊपर भगवा वस्त्र एकदम चमकते और दमकते रहते हैं। मित्रों, गोरक्षपीठाधीश्वर होने की वजह से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भगवान शंकर की, गुरु गोरखनाथ की सीधी कृपा है और यही वजह है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि उनको पता है कि कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। उनके अंदर कोई जरा भी डर नहीं है, उनके माथे पर कभी जरा भी शिकन नजर नहीं आती है। और न सिर्फ उन्होंने ये सब करके दिखाया बल्कि इसके अलावा उन्होंने इस बातों को पूरी दुनिया के सामने ऐलानिया कहने में कभी कोई डर महसूस नहीं किया। ऐसे साक्षात ताकत शक्ति का स्वरूप नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। और वही योगी आदित्यनाथ का एक भाषण इस वक्त मित्रों बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, जगह जगह पर उसकी बातें हो रही हैं। यूपी के जो मोहल्ले हैं वहाँ पर इनके जो आदित्यनाथ के भाषण है वो सुने जा रहे हैं। और वो भाषण आखिर क्या है मित्रों, आपको याद होगा, मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का वो दुर्दांत माफिया जो कि अपनी हनक के लिए माफियाओं में जो सबसे बड़ा माफिया था उस तरह से वो कुख्यात था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कभी कुछ बोल सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में यह बताया कि इतनी हनक रखने वाले, इतनी अकड़ रखने वाले माफिया मुख्तार जब अदालत में आया तो किस तरह से उसकी हालत खराब हो गई थी, क्या उसकी हालत हो गई थी। ये जो पूरी भाषण है, ये भाषण पे योगी जी ने बताया है कि कैसे इस तरह के जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के जो माफिया सारे के सारे हैं, इस किस तरह से इनकी जो पैंट है वो गीली हो जाती है कानून के सामने आने पर योगी राज में, उसका पूरा विवरण यहां पर दिया है। और इसके बाद में आपको, पहले आप ये बयान सुनिए, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि कानपुर का एक और दुर्दांत विधायक जो कि बहुत लंबे समय से विधायक है और जो कि एक जो है अपराधी रहा है जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, वो किस तरह से योगी आदित्यनाथ की दहशत की वजह से मानसिक स्थिति उसकी खराब सी हो गई है, इसका भी मैं आगे चर्चा करूंगा पूरी की पूरी। लेकिन पहले जरा योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुनिए। भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। मित्रों, हर बात तो योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में, सभाओं में कर भी नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और वो बातें मैं आपको कुछ अभी बताऊंगा आगे कि योगी जी ने कैसे एकात और माफिया तिनको ठिकाने लगाया। लेकिन उसके इसके अलावा मैं आपको एक और कानपुर के कुख्यात आरोपी, कई मामलों में आरोपी चल रहे गुनहगार विधायक, बाहुबली विधायक, जो अपने आप को मुख्तार अंसारी से बड़ा डॉन समझता था, जिसका नाम इरफान सोलंकी था, वो इस समय किस तरह से अदालतों के चक्कर लगा रहा है, किस तरह से जो जेल के कैदियों में घिसट रहा है, और कैसे मुख्तार अंसारी की इंतकाल होने के बाद उसके अंदर मौत का खौफ समा गया है। मैं आपको चाहता हूं कि बार जरा वीडियो देखिए वो, कि आखिर उसकी मानसिक स्थिति डर के मारे कैसी हो गई है, जरा वीडियो देखिए एक बार। जानवर इरफान सोलंकी को लग रहा है कि उसको जानवर की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और जरा देखिए एक और बयान। एनकाउंटर करना था क्या? क्या कारण क्या है? पूछना हमें क्या मालूम? कहाँ ले गए? कहीं अटैक तो नहीं? कहाँ लेके गए थे? कहाँ ले? मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था, ये पूछना जरूर। और चलाना मैं रात में बैरिक में एनकाउंटर वाली बात क्यों बोल रहे हैं? पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है फिर? हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी जी, हम न्यायपालिका में आइए, मुझे लगा एनकाउंटर करने ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? दो घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये पूछिए, दो घंटे पुलिस लाइन, मुझे चेस्टाफ ने बुलाया था, मुझे चेस्टाफ ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था? क्या क्या आपको? बिल्कुल शक है, हो सकता मेरी भी खबर आए। सोच रहा मित्रों, इस तरह का खौफ, इस तरह का खौफ, इस तरह का खौफ देखने में मिल रहा है। अब मैं आपको जरा सुनाता हूं कि आखिर अतीक अहमद, वो दुर्दांत माफिया जिसकी अभी पिछले साल मौत हुई थी, दरअसल जब वो विधानसभा में लखनऊ की आता था पहले, तो हमेशा उसके साथ में बड़ा लाव लश्कर हुआ करता था, और उस लाव लश्कर के पास बाकायदा अवैध कट्टे, बंदूकें हुआ करते थे। वो बिल्कुल अपराधी की मनमाफिक, बिल्कुल तंतनाता हुआ, धड़धड़ाता हुआ विधानसभा के अंदर ऐसे घुसता था जैसे कि कोई यहाँ का राजा हो, पूरा जलवाए जलाल के साथ, सुल्तानियत के साथ वो घुसता था विधानसभा के अंदर। और साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में गए, तो उन्होंने जब पहली बार देखा कि ये व्यक्ति किस तरह से धड़धड़ाता हुआ पूरी विधानसभा में चक्कर लगा रहा है, पूरे बंदूकों के साए में, बंदूकों के साथ, दर्जनों लोगों के साथ, जो कि गैर कानूनी है, तो इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ने वहां पे विधानसभा के पूरे मैनेजमेंट को बुला करके ये समझा दिया था कि अगर अगली बार ये आदमी यहां पे इस तरह से दिखा तो तुम सबकी नौकरी खतरे में है। मित्रों, इसके बाद जब पहली बार जब अतीक अहमद विधानसभा में घुसा और उसको वहां पर सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया और कहा कि तुम इतने लोगों के साथ नहीं जा सकते और तो अपने सारे आगने अस्त्र और असलहे सब दूर रखो, तो उसने पूछा कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रोक रहे हो मुझे? तो उस समय उन्होंने कहा कि बाबा का आदेश है। तो तब इसको समझ में आया कि अब बाबा का समय आ गया है और अब मेरा समय जो है वो चला गया। बाबा ऐसे में बाबा नहीं है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, गोरक्ष पीठाधीश्वर है। और यही वजह है कि इसके बाद फिर ये अतीक अहमद योगी आदित्यनाथ से मिलने गया और धमकाने गया कि तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है, ये मुख्यमंत्री का पद तो आएगा जाएगा पर हम हमेशा रहेंगे, ऐसा उसका जलवाय जलाल था कि धमकाने भी आ गया था। तब योगी जी ने कहा था कि तुम किससे बात कर रहे हो ये समझ लेना और तुम्हारा हश्र क्या होगा ये तुम देख लेना। और उसके बाद अतीक अहमद का जो हश्र हुआ है वो दुनिया जानती है कि नेचुरल जस्टिस, यानी जो कुदरती इंसाफ होता है, जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों को इस तरह पीड़ित किया, उसकी पीड़ा की जो हाय लगी, उसका जो हाल हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आज मैंने योगी आदित्यनाथ के भाषण के द्वारा मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े माफिया जो उत्तर प्रदेश की धरती पर आतंक मचाए हुए थे और जिनके दबाव से धरती जो है वो कांप रही थी, उन सभी अधर्मियों का जो है विनाश योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सभी भाषणों में वो बार बार ये बात कह रहे हैं,
कि जिनकी गर्मी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शांत कर दी है उनको उनकी गर्मी दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। इस अपील के साथ वो अपनी हर रैली में भाषण दे रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है और उनकी जो साहसिक कृत्य हैं उनको सुनने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ हम देख रहे हैं। तो मित्रों कैसा आपको लगा, आपको वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हरण महादेव, धन्यवाद।